एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो अभी के ब्लॉग की शुरुआत जैसे मैं उठ के ही कर दी हूँ और मैं आज आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। नीचे दीदी हाय कराओ, राधे, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी। दीदी राधे राधे कर रहे हैं। हाँ, ये भी अच्छे, सुबह राधे राधे बोलो। और आज मौसम ऐसा है कि बारिश लगी हुई है, मतलब रात शायद सुबह जैसे से लगी हुई है, बट अच्छी बारिश है आज, ठीक ठाक। और ठंडा ठंडा मौसम है, मतलब फ़ैन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऐसी हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बार, मतलब ऐसी बारिश है, रुकने वाली नहीं है ये। दिख तो पता नहीं आपको रही होगी, बस आवाज़ आ रही होगी छत में ना। नीचे देख लो, ऐसे दूर मतलब हर जगह हो रही है, ऐसे हो रखा है सारा। ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, चलते हैं, करते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि आधी तो हमने ऑलमोस्ट रात को ही कर दी थी कि हमें पता है आज क्या बनाना है। मैं आपको चल के ही दिखाती हूँ वहाँ पे कि हम क्या बना रहे हैं। बट एक मेरा बॉटल रहेगी, मैं तो दिख भी नहीं रही हूँ, लाइट ऑफ है ना। आज बारिश भी है, और जो हमने सोचा था, मतलब वैसे तो नहीं था हमें पता कि बारिश होने वाली है, बट हमने सोच के रखा था क्योंकि छुट्टी है, संडे है, तो आज कुछ अच्छा सा बनाएंगे। तो फिर डैडी ने बोला कि खाऊंगा मैं, तो आज वही बन रहा है, मैं दिखाती हूँ, पहुँच गई बस। तो आज बन रहे हैं आलू के परांठे। यहाँ पे सारा सामान रेडी होके रख दिया है दीदी ने, और यहाँ आटा भी बना दिया है, अलग से बनाया है परांठों के लिए, मम्मी का स्पेशल अजवाइन वाला ना। कसूरी मेथी भी है इसमें, और अभी मैं बनाऊंगी परांठे, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, और यहाँ पे दही देखो एक बार, इतना टेस्टी बना है ना इसमें, अलग ही बहुत अच्छा है। आज खाएंगे हम, और ठंडा भी होता है ये, और ठंडा हो जाता है, दही ठंडा होता है, और ठंडा हो जाता है। चलो अभी बनाते, फिर दिखाते हैं आपको परांठे। तो गाइस ये बने हैं हमारे परांठे, बाकी सारे खा गए हैं, अभी मैं और दीदी खा रहे हैं, भाई भी खा बैठे, और ये बचा है साथ में। हाँ, और दूध भी पियेंगे, दही है बीच में, आई याद के आप लोगों को दिखा देते परांठे खाते खाते। तो अभी मैं नहा के होगी हूँ फ्री गाइस, और मतलब आज बारिश नहीं रुकने वाली है, जैसे बारिश के हाल हैं, क्योंकि हर जगह ही आज ऐसी बारिश है, ये पूरा दिन ही लगी रहेगी। तो फिर अभी मैं आपको मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, ऐसी धुंध पड़ रही, जैसे बूंद होता बिल्कुल, जैसे अपर वाली पहाड़ियों में होता है ऐसे ठंड ठंड वाला मौसम, ऐसे फॉग आ रही है। मौसम तो बहुत अच्छा है और बारिश लगी हुई है, अच्छा अच्छा है, हाय तेज नहीं है, मतलब कंटिन्यू लगी हुई है वैसे वाली है। आप एक बार वेदर देख लो, फिर मैं नीचे जा रही हूँ, मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोए हैं वो सुखाऊंगी, और बाकी देखते हैं। मम्मी और दी स्टिचिंग कर रहे होंगे, उनके पास चलती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ अपनी एडिटिंग वगैरह है, मुझे भी करने को बहुत सारी, क्योंकि बिजी हो रहे हैं, आ जा रहे हैं कहीं, तो टाइम नहीं लग रहा है, तो वो काम मैं नीचे जाके उधर बैठ के कर लूँगी, और जाती हूँ अभी। बट मुझे मौसम देखना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हल्का हल्का है ना, तो इतनी अच्छी अच्छी फॉग चली हुई है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, हल्की हल्की ऐसे देखो लगी हुई है, साथ में बारिश और धुंध ऐसे पड़ रही है, आ रही है पड़ते हुए। पहले तो बिल्कुल ही ऐसे फॉग ही फॉग हो गई थी हर जगह, अब थोड़ी ऐसे होगी चलेगी, उस साइड से आ रही है फिर से। हाय कितना प्यारा मौसम लगता है ना ऐसे वाला, और मेरी मेहंदी भी निकली गई अब तो।
गाइज तो अभी मैं नीचे आई हूँ और मम्मी और दी स्टिचिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे सूट स्टिच हो रहे हैं और साड़ी का ब्लाउज करेंगे दी स्टिच। और अभी मेरे को दी साड़ी लगाना सिखाएंगे कैसे कि लगाते हैं उसको, क्योंकि मतलब मेरे को आती नहीं है इतनी ज्यादा, मैं थोड़ी बहुत मैं लगा लेती हूँ। अब दीदी मेरे को प्रॉपर तरीके से सिखा देंगे कि ऐसे लगाते हैं, जैसे किसी को नहीं आती होगी तो वो भी सीख लो। हम बताते रहेंगे दीदी स्टेप बाय स्टेप, आपको बताते रहेंगे। इजी है, दीदी बोलते हैं बहुत इजीली आ जाता है, तो मैं सोच रही हूँ मैं सीख लेती हूँ। रुको एक बार मैं फोन रख देती हूँ, थोड़ा सा पीछे रुको, लो फोन थोड़ा सा ऊपर कर दो, रुको रोकी दो घंटे इंगे इंगे। सबसे पहले यहाँ पे टक कर लेनी है, सेफ्टी पिन भी लगा ली ठीक है, जो भी आपने पेटी कोट वेयर करना है जो भी ना। हाँ फिर उसके बाद यहाँ पर भी टक कर लेनी है जहाँ पे हमने वो प्लेस डालनी है, टेम्परेरी कर लेनी है ठीक है। उसके बाद जितना पल यहाँ से मतलब बेसिकली होता है कि यहाँ तक होता है टक, पर अगर किसी का लंबा है तो ज्यादा भी चला जाता है ठीक है। तो पूरा ऐसे लेके यहाँ से पीछे से घुमानी ऐसे, मतलब अभी मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। आज नहीं रुकेगी बारिश, पूरा दिन ऐसी रहेगी, कुछ नहीं शाम को बनाएंगे कुछ अच्छा सा चाय के साथ। अभी सोच रहे हैं आज हमने सुबह परांठे खाए हैं, थोड़े ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो सोच रहे हैं कि बनाते हैं कुछ हल्का ही खाएंगे आज, तो खिचड़ू खाएंगे। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है वो खिचड़ी सी ना, मूंग दाल वाली, बहुत टेस्टी लगती है, जिसको हम पहाड़ी में खिचड़ू बोलते हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। हाय ठंड, मतलब ठंड सी लग रही है, ऐसे नहाने कम नहीं कर रहा बारिश में, नहीं तो जब से मैं तो ऐसे इंतजार कर रही थी बारिश कब होगी तो मैं नहाऊंगी वीडियोस बनाऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं, अब ठीक लग रहा है ठंडा ठंडा। अभी खाना बना लेती हूँ मैं गर्मा गर्म जल्दी जल्दी, टाइम हो गया हमारा, ऐसे टाइम हो जाता है। अभी थोड़ी बहुत एडिटिंग की मैंने, बाकी काम तो हुआ नहीं, बाकी भी बचती है मेरी, फिर थोड़ी देर बाद करूँगी खाने के बाद, फिर मैं बना लेती हूँ। बाद में बोल लेना। और ये स्वाति है शूट के बाद। गाइस तो अभी हम कर रहे हैं फोटो शूट और वीडियो बन, मेरे को लग गई और मौसम मतलब पूरे दिन की बारिश, अभी शायद 5 बजे रुक गई थी और अभी बहुत अच्छा हुआ है, कल धूप होने वाली है मेरे ख्याल से, अभी अच्छा मौसम है ठंडा ठंडा। और उस साइड तो बहुत सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं, वो धर्मशाला वाली पहाड़ियाँ हैं गाइस, हमारे घर से धर्मशाला भी दिखती है तो बस हमारा काम भी हो गया और चंदा भी निकल गया और मेरा सूट बहुत सुंदर सा है, कंफर्टेबल प्यारा प्यारा स्टिच दीदी ने किया है, बहुत सुंदर से देख, बाकी आपको देखना होगा इंस्टाग्राम पे देख लेना लोग। चलो अभी हम चलते हैं नीचे और देखते हैं बाकी सारे काम क्या करने हैं हमें आगे। तो आज बन रही है स्नैक्स में आलू टिक्की, और शेफ बदल चुके हैं, छोटी छोटी टिक्की भाई बना रहे हैं हमारे लिए, भाई को ताकि मैं खिलाऊं इनको कुछ अच्छा अच्छा भाई हमारे लिए नहीं बना रहे हो देखो अभी इतने टाइम से क्रंची हो रही है, धीमी आंच में पक रही है, होने वाली है थोड़ी देर में, बस जलाना नहीं भाई ब्रेड के जैसे जैसे हमने टोस्ट, नहीं भाई थोड़ी भी ज्यादा क्रंची हो जाती है वो चुभाई नहीं जाती है ठीक है। क्रंची अच्छी लगती है। और आज हम बनाएंगे यहाँ पे मसाला रेडी हो गया, पतोड़े बनेंगे और भिंडी भी निकाल के लाए मम्मी गार्डन से। हाँ देख लो फिर ज्यादा क्रंची हो जाएगी। तो अभी हम स्टिचिंग रूम में बैठे हैं आके, हमारा डिनर वगैरह हो गया है और उसके बाद थोड़ी देर हमने बाहर बैडमिंटन वगैरह खेला और अभी हम आए हैं क्योंकि डैडी गए हैं फंक्शन में, तो काम भी है स्टिचिंग का, तो बैठे हुए हैं, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मम्मी भी लगे हुए हैं, दीदी भी लगे हुए हैं, सोच रहे हैं डैडी का इंतजार भी कर लेते हैं, तब तक टाइम पास भी हो जाएगा थोड़ा, तो काम भी हो जाएगा साथ में। और हमने खाना वगैरह खा लिया है, आज खाने में हमने बनाए थी आलू और न्यूट्री, सुबह के लिए तो पतोड़े बनाए हैं टेस्टी टेस्टी, जो भी बन गए सुबह खाएंगे उनको। तो अभी मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।